नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। चक्रवात फानी, ओडिशा में डॉक्टरों कर्मचारियों की 15 मई तक छुट्टी रद्द। राहत सामग्री के साथ जहाजों की तैनाती। चक्रवात फानी को लेकर ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही हिमाचल के शिमला, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी, सोलन समेत कई इलाकों में आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान फानी के कारण बन रही स्थिति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से एहतियाती कदम उठाने एवं सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। मौसम विभाग ने रविवार को कहा था कि तूफान फानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में तेज होता जा रहा है और अगले 24 घंटे में इसके अत्यंत भीषण चक्रवात तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम तक चक्रवात फानी गंभीर रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने इस संबंध में हाई अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार 1 मई यह तूफान बेहद खतरनाक चक्रवात का रूप ले सकता था। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि चक्रवात से घरों, संचार और बिजली नेटवर्क और रेल व सड़क अवसंरचना को नुकसान होने की संभावना है। इटारसी में पीएम मोदी ने कहा, दिखे राजा दिखे थे जाकिर नाइक के दरबार में, डूब मरो कांग्रेस वालों। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के इटारसी में दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, श्रीलंका सरकार ने आतंकवादी हमले के बाद सबसे पहले जाकिर नाइक और उसी जाकिर नाइक के दरबार में एक बार दिग्विजय राजा को देखा गया था, डूब मरो कांग्रेस वालों। पीएम इटारसी में सभा को संबोधित कर रहे थे। दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले कुछ दिनों से दिग्विजय सिंह के हिंदू विरोध बयानों को बीजेपी के नेताओं की तरफ से हवा दिया जा रहा है। जाकिर नाइक इस्लामिक धर्म उपदेशक है। बांग्लादेश के ढाका में आतंकी हमले के बाद जाकिर अचानक चर्चा में आ गए थे। इस हमले में कई विदेशी नागरिक मारे गए थे। हमले में शामिल आतंकवादी जाकिर नाइक के उपदेशों से प्रभावित थे। एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।